हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पिवट पॉइंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, पिवट पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्राइस जो है वो इन्हीं के अराउंड घूमता रहता है। मतलब कि प्राइस जो है एक लेवल को तोड़ता है, एक पिवट पॉइंट को तोड़ता है तो S1 पे चला जाता है, S1 से S2 पे चला जाता है, S2 से वापस S1 पे आ जाता है। देखिए पिवट पॉइंट सबसे पहले समझने हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है, मैंने निकाला है ये। देखिए पिवट पॉइंट कैसे बनता है। देखिए इसमें जो पिवट पॉइंट होता है वो किसी भी स्टॉक का, किसी भी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर, ऑप्शन सबका निकलता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। इन तीनों को एवरेज कर देते हैं ना हम पिछले डे का। जैसे देखिए मैंने सिप्ला का ये चार्ट खोला हुआ है, तो अगर मैं सिप्ला के चार्ट में देखूं जाके और हॉरिजॉन्टल लाइन लूं, तो इसका हाई क्या रहा, देखिए हाई ये रहा, ठीक है, और लो क्या रहा था इसका, लो ये रहा था, और क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज ये हुआ। तो ये तीन लेवल्स हो गए, 593.70, 591.45, 561.45। तो इन तीनों का अगर हम एवरेज कर देंगे ना तो एक लाइन निकलेगी बीच में, मैं वो प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप जाएंगे ना स्टडीज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पिवट पॉइंट्स आ रहे होते हैं। ये देखिए पिवट पॉइंट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये इंट्राडे के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये यूज होते हैं। तो इसमें क्या है कि आप डन कर देंगे जब, तो ये प्लॉट हो जाएंगे आपके पिवट पॉइंट्स। तो ये ब्लैक लाइन जो आ गई ये पीपी लाइन होती है, पिवट पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर तीन आपकी लाल लाइनें होती हैं, 1, 2 और 3। ये लाल लाइनें क्या है, R1, R2, देखिए यहाँ R3 का फॉर्मूला नहीं दे रखा, वो भी पिवट पॉइंट, जो पिवट पॉइंट होता है ना उस, और हाई और लो इन सब के कैलकुलेशंस पे ही होता है। कैलकुलेशन इतनी मैटर नहीं करती, कैलकुलेशंस आपको याद नहीं रखनी, कोई एग्जाम नहीं देना है कहीं पे, आपको इनको यूज कैसे करना है वो याद करना है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उनके फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, आपको कहीं एग्जाम या पेपर पास नहीं करने हैं, आपको ट्रेडिंग सीखनी है। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको इनको यूज करना आना चाहिए, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है, इनको लगाएंगे, इनको इन, 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 इनको एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करें तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। और ठीक है, तो ये यहाँ नीचे होती है S1 S2 S3। देखिए S3 यहाँ दे नहीं रखा है इस इमेज में, माफी चाहूंगा, मैंने ये इमेज जो है ये कहीं से निकाली है इसमें, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्मूला की इमेज है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है। S3 भी ऐसी होती है, सारी कैलकुलेशंस पे ही बेस्ड होता है। तो इसमें देखिए ये हरी लाइन, ये एक हरी लाइन और ये एक हरी लाइन, तीन हरी लाइन होती है, ठीक है। तो जब भी प्राइस जो होता है ना वो ये ऊपर के जो होती हैं ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं। जब भी प्राइस इसके इस तक जाएगा ना तो वो इस यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ से उसके रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं तो वो क्या करेगा, इसके अराउंड ही घूमता रहेगा, वो भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। इसके अराउंड घूमता रहेगा, 1 घंटा घूम रहा है या आधा घंटा घूमता रहेगा, और फिर दूसरे लेवल पे चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये सिप्ला का चार्ट है, इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ खुला, फिर ये देखिए गिरता गिरता पिवट पॉइंट पे आ गया, और ये देखिए कितना अच्छा काम करते हैं पिवट पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो पिवट पॉइंट्स को बहुत ज्यादा यूज करती है ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इसके अराउंड ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इसके अराउंड ही ट्रेड लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, पहली सपोर्ट, दूसरी, तीसरी, देखिए ये आधा घंटा 1 घंटा सपोर्ट लेता रहा इस पे। जब 1 घंटा सपोर्ट लेता रहा तो ये देखिए ये भी अभी भी सपोर्ट ही ले रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, मतलब ये साइडवेज है, कहीं जा नहीं रहा। देखिए तब इसने क्या किया, 1:25 का राउंड पिवट को तोड़ दिया। तो ट्रेड लेने का यही तरीका है कि अगर पिवट के नीचे क्लोज हो जाए तो आपको यहाँ पे शॉर्ट जाना है 579 पे, और तब तक शॉर्ट रहना है दूसरे। ये देखिए टारगेट अपना कुछ अपना लालच ना रखते हुए 0.5% का या 0.75% का टारगेट ले लो, और यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। नहीं तो आप स्टॉप लॉस को पीछे पीछे ट्रेल कर सकते हो। अगर निफ्टी बियरिश है, निफ्टी पे जरूर आए रखनी है, निफ्टी पे आपकी आंख होनी चाहिए कि निफ्टी किस तरफ जा रहा है। निफ्टी बियरिश है तो आप ट्रेल कर करके पीछे आ जाओ, इसके पीछे आ जाओ। निफ्टी अगर बुलिश है तो इसका मतलब थोड़ा सा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके नीचे आ जाओ। साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर पे भी थोड़ी आंख रख सकते हैं कि भाई जो फार्मा सेक्टर है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें सारा कुछ आपको समझाऊंगा कि सेक्टर को एनालिसिस इंट्राडे में कितना इफेक्टिव होता है, सेक्टोरल एनालिसिस कितना अच्छा रहता है। तो यहाँ से देखिए ये ब्रेक करता करता यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है सपोर्ट, ये नीचे वाले हरी लाइनें क्या करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं। यहाँ प्राइस सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये VEDL का चार्ट है, ये पिवट के ऊपर ही खुला है। देखिए एक जनरल रूल तो ये कहता है अगर पिवट के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है ना एक बुलिश कैंडल के से, तो वो आपको लॉन्ग जाना है, और पिवट पॉइंट के नीचे अगर लाल कैंडल यानी बेरिश कैंडल से क्लोज होता है तो नीचे जाना है। लेकिन ये देखिए ऊपर खुला, और ये देखिए ये R1 के भी ऊपर खुला, मतलब इस रेजिस्टेंस को भी एक बुलिश कैंडल के साथ वो कर गया पार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये इसको तोड़ के और ऊपर चला जाएगा। इसने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ प्राइस रिजेक्ट होता रहा रिजेक्ट होता रहा। ये देखिए 1 घंटे तक, 10 मिनट का चार्ट है, देखिए 5 मिनट में मत देखना इसको पिवट पॉइंट पिवट। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पिवट पॉइंट जो है ना वो सेम रहते हैं, मतलब आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लोगे ना, 15 मिनट तक ले लोगे और 30 मिनट तक ले लोगे, 30 मिनट में चेंज हो जाते हैं। 30 मिनट में क्या हो जाते हैं, ये 30 मिनट में वीकली पिवट आ जाती है। देखिए ये 14 डेट है, ये 16, ये 14 तारीख है ना, तो 14 तारीख आप देखोगे ये 14 मंडे, मंडे से स्टार्ट हुई, अभी का हफ्ता स्टार्ट हुआ है मंडे से, तो ये एक वीक की पिवट लाइन बन जाती है। तो आप अगर 15 मिनट तक रहोगे ना तो वो डेली की पिवट लाइन चलेगी, ऐसी वीकली पिवट आ जाती है, ऐसी मंथली पिवट आ जाती है। इतना एडवांस में अभी मत जाओ, अभी सिर्फ ये याद रखो कि ये 15 मिनट तक सेम रहेगी, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, इसमें ये पिवट पॉइंट पिछले दिन के जो मैंने कैलकुलेशन बताई ना उससे चलती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्लो सिग्नल या बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट सिग्नल नहीं चाहिए तो आप 10 मिनट का चार्ट इस पे फॉलो कर सकते हैं। 10 मिनट का चार्ट काफी अच्छा और स्टेबल चार्ट माना जाता है, 15 मिनट का देखिए काफी लेट हो जाता है, 5 मिनट का काफी अर्ली हो जाता है, तो 10 मिनट का एक स्टेबल चार्ट माना जाता है। तो इसमें अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसमें ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ प्राइस रिजेक्ट होता रहा, रेजिस्टेंस फेस करा, और रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ देखिए यहाँ पे क्लोज, इस कैंडल पे ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ आप एंट्री ले सकते थे 307 पे, और यहाँ देखिए कहीं पे आप 307 से 310 यानी देखिए 0.5% आपको यहाँ पे मिल गया। फिर ये क्या हुआ देखिए यहाँ से ये रिवर्स रिवर्स हो गया। देखिए इसमें क्या है कि आप कोई ना टारगेट जरूर लेके चलिए, तो टारगेट बिना बिल्कुल भी मत चलिए। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ R1 R2 को दोनों को एक शुरू में ही क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया, और यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस फेस करता रहा इसके, और रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया लाल वाली ने कि ये नहीं कर पा रहा और यहाँ आपको शॉर्ट जाना है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट जाके आप इस यहाँ कहीं बुक कर सकते थे अपना प्रॉफिट। तो ये एक लेवल से दूसरे, अब देखिए मान लो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये अगर आप हटा दो तो आपको पता लग रहा है कहाँ कुछ आपको रेफरेंस मिलता है ना पिवट पॉइंट से, आपको आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता लग रहा कि कहाँ से ये रिवर्स होने के चांसेस है, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो आप पिवट पॉइंट लगा दोगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है, और पिवट पॉइंट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। आप किसी किसी में भी चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे इसने R1 R2 R3 को सीधा तोड़ा, और फिर देखिए जब R3 के ऊपर चला जाता है ना तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कि वो वहां से रिवर्स होने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके स्क्रीनर्स भी आते हैं, इंट्राडे स्क्रीनर भी है, एक फटाफट स्क्रीनर करके एक साइट है fatafatscreener.in, उसके अंदर आप फाइंड किसी भी समय उसमें लॉग इन करके, वो एक्सेल टाइप व्यू देता है, और किसी भी समय लॉग इन करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो R1 के ऊपर जिनका प्राइस है, या R2 के ऊपर है, या R3 के, तो आप वहां से रिवर्सल के लिए देख सकते हैं कि रिवर्स हो रहा है या नहीं। ऐसी आप S1 S2 S3 भी, मैं उसका लिंक साइट का इसमें पेस्ट कर दूंगा, और मैं वो आपको अगले वीडियो में थोड़ा उसके बारे में समझा भी दूंगा आने वाले वीडियो में कि वो फटाफट स्क्रीनर यूज कैसे करते हैं। वो इंट्राडे का फ्री स्क्रीनर है, तो उसमें आप पता लगा सकते हैं कि R3 के ऊपर कौन, यहाँ मतलब ये वाला अगर आपने सुबह 9:55 पे उसमें सर्च किया होता तो आपको ये आ जाता कि ये ऊपर है R3 का, R1 R2 R3 को क्रॉस कर दे तो मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड हो गया, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है पिवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वहां से रिवर्स होने के चांसेस बड़े ज्यादा है। और यहाँ पे रिवर्सल का फिर 2 कैंडल रिवर्सल, जो कैंडल स्टिक, अब कैंडल स्टिक के फिर यहाँ आपको रिवर्सल देखने पड़ेंगे कि प्राइस कहाँ रिजेक्ट हो रहा है। ये देखिए पिन बार है, ये क्या है, ये देखिए ये देखिए बुलिश, ये सॉरी बियरिश बियरिश हरामी पैटर्न होता है,
आप सर्च करना इंटरनेट पे, काफी सारी चीजें हैं ये। फिर रिवर्सल्स ही अलग टॉपिक में कवर करेंगे, पहले आप पिवट पॉइंट को मास्टर कीजिए। क्या कीजिए कि काफी सारे आप चार्ट्स को है ना स्टडी कीजिए कि पिवट पॉइंट्स बिहेव कैसे करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए सीईएससी, ये इसने ये पिवट को बुलिश कैंडल से तोड़ा, तो ये कंफर्म हो गया कि आपको लॉन्ग जाना है, लेकिन अभी आप जाओगे नहीं, अभी आप वेट करोगे कि आर1 को तोड़े। आर1 को अभी तोड़ा नहीं है इसने, आर1 एक लेवल है, इसको अभी तोड़ा नहीं। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके नीचे आ गया, लेकिन देखिए यहाँ तोड़ दिया इसने, यहाँ इसके ऊपर क्लोज हो गया, और विद हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें देख सकते हो, या कोई इंडिकेटर आप लगाना चाहो, इंडिकेटर लगा के, इंडिकेटर से आप कंफर्मेशन लेना चाहो तो MACD लगा लो। देखिए MACD ने भी यहाँ क्रॉस ओवर दे दिया, तो आपको यहाँ यहाँ कहीं देखिए, अगर जो प्राइस एक्शन से चलेगा तो वो यहाँ एंट्री ले सकता था, जो इंडिकेटर से चलेगा उसको वेट करना पड़ेगा क्रॉस ओवर आने का। तो देखिए इंडिकेटर हमेशा लेट हो जाता है, मैंने बताया, तो प्राइस को ही पकड़ के चलिए, प्राइस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप एंट्री ले सके, R2 पे बुक कर सकते थे, देखिए R2 को भी इसने तोड़ दिया, लेकिन फिर आया यहाँ सपोर्ट ली। तो देखिए इसी के अराउंड घूमता रहता है प्राइस। तो जैसे जैसे आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करेंगे, चार्ट्स को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनको बार बार देखेंगे, तो आपको आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगेगी कि कैसे जो है प्राइस हर लेवल को तोड़ता है, हर लेवल एक लेवल एक ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, या वहां से रिवर्स होता है, पिवट पे सपोर्ट ले रहा है, कितनी देर सपोर्ट ले रहा है, सबसे जरूरी चीज है कितनी देर सपोर्ट ले रहा है, कितने टाइम तक वो रुका पड़ा है उस पिवट के ऊपर। तो वो बड़े हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो वहां से ऊपर जाएगा, सपोर्ट ज्यादा ले रहा है। तो मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आज का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ BEML का। देखिए R1, R2, R3 के ऊपर ये चलता रहा यहीं पे सपोर्ट लेके। तो देखिए यहाँ पे आप कहीं लॉन्ग जा सकते थे यहाँ कहीं, और आपको थोड़ी 1860 से 1889, देखिए ये आधा परसेंट की मूव आपको अच्छी खासी मिल जाती। तो आपको ये देखना है पिवट पॉइंट में कि ये किस प्राइस किस पॉइंट पे सपोर्ट लेके वहां सस्टेन कर रहा है, वहां रुका पड़ा है, और कितनी देर के लिए रुका पड़ा है। एक घंटा रुका पड़ा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो और ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता रहा, फिर इस कैंडल से भी तोड़ दिया। ऐसे ही आप स्टडी करोगे ना जितना, उतना आपको पता लगेगा। जैसे ये देखिए R1, R2 को नहीं तोड़ पाया, R2 से नीचे आ गया, तो आपको यहाँ कहीं ट्रेड ले सकते थे। तो ये आपको क्या करना है, इनके अराउंड ही ट्रेड लेने हैं, ये रैंडमली कहीं भी उठ के नहीं लेने। मैं अगला वीडियो आपके लिए स्पेशली उस पर बनाऊंगा कि अच्छा ट्रेड क्या है, अच्छा ट्रेड क्या होता है, अच्छा ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। सब कहते हैं कि भाई अच्छा ट्रेड लो, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लो, जिसकी संभावना आपके फेवर में जाने की ज्यादा हो, वो है क्या आखिर, तो वो उस चीज पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी अभी के लिए इतना ही। ये मैंने आपको पिवट पॉइंट्स लगाना बताया, यूज करना बताया, किस टाइम फ्रेम में कैसे चलते हैं, एक वो कैसे एक प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है या रिवर्स होता है, इसके इसमें कैंडलस्टिक का बहुत रोल आता है, उसको अलग वीडियोज में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये प्रीमियम ज्ञान है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, और YouTube पे फ्रीली डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।